नमस्कार, मैं नेहा अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई कर सकती है। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पाकिस्तान ने अभी अपने टोटल 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते हैं तो वही 4 मैचेस को हारा है। अभी पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.024 है। पाकिस्तान को अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर को, इंग्लैंड के खिलाफ 11 नवंबर को मैच खेलना है। आपको बताते हैं टीम पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतती है तो वह बाकी टीम्स के बराबर अच्छे नेट रन रेट के साथ खत्म करेगी, जो 10 पॉइंट्स पर खत्म हो सकता है। अगर पाकिस्तान अपने दो मैचेस में से एक मैच जीतती है तो पाकिस्तान के पास 8 पॉइंट्स रहेंगे, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अपने आने वाले तीनों मैचेस हारे और अफगानिस्तान अपने 3 मैचेस में से कम दो मैचेस हारे तो पाकिस्तान टीम को बाकी टीम्स की तुलना में बेहतर नेट रन रेट के साथ रहेगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पीछा करने के लिए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगभग 83 रनों से जीतना होगा या लगभग 35 ओवर में टारगेट को चेस करना होगा। लेकिन दोनों टीमों के उसके बाद एक और गेम खेलना होगा। अंतिम ग्रुप मैच में एक नया रन रेट सामने आ सकता है तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकती है। ऐसे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ।